हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू काइंडली कमल। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच में बढ़ते हुए विवाद की और उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि हर देशवासी के मन में चल रहा है कि हमें इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। गवर्नमेंट और हमारी आर्मी जो है वो तो अपने एंड पे उसको हैंडल कर ही रही है, बट एज अ इंडिविजुअल एज अ सिटीजन व्हाट शुड वी डू, उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते कई लोगों ने चाइनीज़ सामान की होली जलाई एंड दे आर सेइंग कि वी हैव टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड चाइना टोटली, बट क्या ये रियली पॉसिबल है एंड क्या हम सारे इंडियंस ऐसा ही सोचते हैं कि इन द शॉर्ट रन हम ऐसा करेंगे तो वी कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड हम सब कुछ अपने आप बना के खुद ही यूज़ कर सकते हैं या और हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसी मुद्दे को लेके पिछले हफ्ते कई लोगों ने देश के कई कोने में चाइनीज़ सामानों की होली जलाई, भले वो रैकेट हो, टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, उन्होंने काफ़ी जुलूस निकाले एंड सबके बीच में ये एक कॉमन थिंकिंग है कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो या कुछ भी सामान जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनका टोटली बॉयकॉट करना चाहिए और हमको सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करना चाहिए। बट क्या लिटरली ये पॉसिबल है? ऐसी एक बात मैं अक्सर शेयर करना चाहूँगा। एक हमारे मित्र हैं जिनके पास एक कॉल आती है उनके दूसरे मित्र की कि हम लोग चाइना के प्रोडक्ट्स का विरोध कर रहे हैं और उसके लिए हम एक चाइनीज़ सामानों की होली जलाएंगे, तो उसके लिए आपकी तरफ से कुछ इनपुट चाहिए, आपके पास जो भी चाइना का सामान है वो कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए एंड हम उसको जलाएँगे ताकि हम ये शो कर सकें कि वी आर अगेंस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो उन महोदय ने ये बोला कि मेरे पास तो चाइना का कोई सामान है नहीं, मेरे पास जो सामान है वो अपना है। तो उनके मित्र ने कहा कि नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, आपने कुछ सामान खरीदा होगा बाज़ार से जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, हमें वो सामान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सामान है नहीं। कहते अच्छा, एटलीस्ट एक मच्छर मारने का रैकेट तो होगा आपके पास? कहते हाँ हाँ, वो तो है मेरे पास, वो तो बहुत ही बढ़िया है, रिचार्ज करता हूँ उसको और रात को जब भी मच्छर काटते हैं तो उससे मच्छर मार के मुझे अच्छी नींद आती है, मच्छर मर जाते हैं और मुझे अच्छी नींद आती है एंड इट्स बेनिफिशियल टू द फैमिली एज वेल। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो चाइना का रैकेट है, आप मुझे वो रैकेट दे दीजिए एंड हम लोग उसको चाइनीज़ होली में बर्न करेंगे। तो उन्होंने कहा वो रैकेट चाइना का तो नहीं, वो रैकेट तो मेरा है क्योंकि उसको मैंने पैसे दे के 150 रुपये में लाला जी से ख़रीदा है, तो वो रैकेट चाइना का नहीं है, वो रैकेट लाला जी का है। तो उनके मित्र ने कहा नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, वो एटलीस्ट चाइना से आया है, वो चाइनीज़ सामान है और हमको चाइनीज़ सामान की होली जलानी है। तो उन्होंने कहा लेकिन वो रैकेट तो मेरा, वो चाइना का नहीं है, चाइना ने मुझे वो गिफ्ट नहीं किया है, मैंने पैसे दे के वो ख़रीदा है लाला जी से, लाला जी ने होलसेलर से ख़रीदा होगा, होलसेलर ने इम्पोर्टर से लिया होगा, इम्पोर्टर ने चाइना से इम्पोर्ट किया होगा, तो चाइना को तो उसके पैसे मिल गए और मैंने भी पैसे दे दिए और मुझे वो रैकेट मिल गया, तो भी ये सामान चाइना का कैसे हुआ? और आज की डेट में चाइना किसी भी कोर्ट में जाके ये दावा नहीं कर सकता कि वो रैकेट उसका है क्योंकि उस रैकेट की मैंने कीमत दी है और वो रैकेट मेरा है, वो रैकेट चाइना का नहीं है। तो उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, ये सामान चाइना का है और हमें चाइना के सामान का बॉयकॉट करना है। इन्होंने कहा कि आप इस बात को अच्छी तरह समझिए, ये रैकेट जो है ये मेरा है, मैंने इसके पैसे दिए हैं, इसके पैसे चाइना को जा चुके हैं और अगर आप इसको जलाएंगे, इसको शूट करेंगे, इसको वीडियो में वायरल करेंगे और तो चाइना क्या बोलेगा? चाइना बोलेगा ये तो बेवकूफ है, ये तो मूर्ख है, इन्होंने मुझे पैसे दे दिए और अपना सामान ही जला रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है कि आप मेरा सामान जलाएंगे ना कि चाइना का सामान। आपको अगर ये यूज़ करना है मच्छर मारने के लिए तो आप मुझसे ले जाइए, मैं आपको एक या दो लेके दे सकता हूँ, लेकिन आपको ये जलाने के लिए चाहिए कि ये चाइना का सामान है तो मैं ये नहीं दूंगा क्योंकि ये चाइना का नहीं है, ये मेरा है। उन्होंने उन महोदय से ये भी कहा कि आपको पता है कि मैंने गवर्नमेंट को नहीं कहा था कि ये चाइना से इम्पोर्ट करे, मैंने तो लाला जी से लिया था, लाला जी ने अब जहाँ से भी लिया, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो इम्पोर्ट करती है और फिर हमको बेचती है, हमने कभी गवर्नमेंट से ये नहीं कहा कि हमें चाइना का सामान चाहिए या इंडिया का सामान चाहिए, हमें जो चीज़ अवेलेबल होती है हम तो वही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उन महोदय की बात भी बहुत ठीक है कि वो पैसे तो दे चुके हैं तो वो सामान उनका हुआ, उस सामान पे चाइना की कोई दावेदारी नहीं है। तो क्या ये थिंकिंग सही है कि हम अपना ही सामान जला दें
और फिर बोले कि हम चाइना का सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चाइना का सामान बॉयकॉट करना ही है तो चाइना से सामान इंपोर्ट करो, उसकी पेमेंट मत करो और फिर जलाओ, और फिर उनको बोलो कि हाँ भाई हम तुम्हारे सामान का बॉयकॉट करते हैं और हमें आपका सामान नहीं चाहिए। और एक और चीज़ ये भी होनी चाहिए कि अगर अगर मुझे कोई रैकेट मिला है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है और उससे मुझे फ़ायदा होता है, तो गवर्नमेंट वो सामान इंडिया में क्यों नहीं बनाती? मैं भी एक देशभक्त हूँ और अगर मुझे ये सामान मेड इन इंडिया मिलेगा, मुझे चाइना का सामान 150 में मिला है, अगर वो चाहें तो मुझे 300 रुपये ले लें, 400 रुपये ले लें, तो मैं खुशी खुशी उसको ख़रीद लूँगा और मैं चाइना का सामान नहीं यूज़ करूँगा और आपको जलाने के लिए दे दूँगा। लेकिन अगर अभी मैंने आपको वो सामान जलाने के लिए दे दिया है रैकेट, तो रात को जब मुझे मच्छर काटेंगे तो मैं क्या करूँगा? और क्या आपको पता है कि 90% सोलर पैनल जो कि इंडिया में सोलर एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं वो चाइनीज़ है? मोबाइल मार्केट में 90% मोबाइल फ़ोन्स चाइना के यूज़ होते हैं और एसेसरीज़ भी चाइना के यूज़ होती हैं। उसके लिए क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये तो कोई क्लियर नहीं करता। आप कहते हैं कि सामान जिसके मैंने पैसे दे दिए हैं वो मैं जला दूं जो कि चाइनीज़ नहीं, जो सामान अब मेरा है। इतने लोग अगेंस्ट हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। और अभी पिछले हफ्ते वन प्लस फ़ोन की सेल लगी थी ऑनलाइन और कुछ ही मिनटों में फटाफट वो सारे फ़ोन बिक गए। वो लोग कहाँ गए जो ये कहते हैं कि चाइना के सामान का बॉयकॉट करना चाहिए और कुछ ही मिनटों में हज़ारों लाखों चाइना के फ़ोन फटाफट ऑनलाइन बिक गए। मैं एज ए इंडियन भी इस बात को कहना चाहूँगा कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का अगर बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। और एज ए रैंडम उठ के हम सुबह उठें और बोलें कि चाइना ने ये कर दिया, हमारे हमारे आर्मी पर्सनल को मार दिया, जिस बात के मैं भी खिलाफ़ हूँ, इसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि अभी बहुत ही डाउन चली गई है, उसको उसके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए कि वो कॉम्पिटिटिव हों चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के मुकाबले। हमें डेफिनेटली चाइना से मुकाबला करना है और उनको मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए बनानी पड़ेगी। बचपन में हमसे एक पहेली पूछी गई थी कि अगर एक लाइन है जो कि लंबी है उसको बिना काटे और बिना मिटाए छोटा करना है तो हम कैसे करेंगे? तो आज की कंडीशन में वो बड़ी लाइन है चाइना, अगर हमें उसे बीट करना है तो हमें एक लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि इंडिया होगा, जो कि आत्मनिर्भर होगा, अपना सारा सामान वो खुद बनाएगा और बजाय इसकी कि वो इंपोर्ट कर रहा है वो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेगा, ताकि हमारी दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी कम हो सके। और जहाँ तक की बात है चाइनीज़ इंट्रूशन की और जो चाइना ने हमारे आर्मी पर्सनल को मारा है, एज एन इंडियन आई रियली कंडेम दैट एंड आई ट्रूली बिलीव कि उसके लिए हमारे देश को एक स्टैंड लेना चाहिए। एज ए गवर्नमेंट, एज ए सिटीज़न, वी शुड स्टैंड टुगेदर टू फाइट दिस करेंट सिचुएशन। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमें चाइना को ये बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ दो थ्योरी चलती हैं, एक है क्षमा करने की और एक है टिट फॉर टैट की। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि क्षमा तेजस्विना तेज, दैट मीन्स कि किसी को माफ़ करना तेजस्वियों का तेज है। लेकिन हमारे हमारा इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि षठे शाठ्यम समाचरेत, कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए, और अगर कोई हमारे ऊपर ईंट मारे तो उसका जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। हमारे देश में युद्ध भी है और बुद्ध भी है, तो हमें ये देखना है कि हमें इस सिचुएशन में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म, एंड उसको उसके लिए एक यूनानिमस डिसीजन बना के एज ए सिटीज़न एंड एज ए गवर्नमेंट हमको उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारा देश ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मिलूँगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।